तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज फ्राइडे, तारीख 30 अगस्त 2019, और कुल मिलाकर आज अगर बात करें क्राइम की, दुनिया की, खासतौर पर इंडिया में, तो ऐसा कोई मेजर क्राइम, कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ। हाँ, दिल्ली में एक अजीब चीज़, एक मतलब अजीब क्या कहें इसको, एक्साइज वालों ने पकड़ा है, या कस्टम वालों ने, एक फॉरनर से 6 अंडे उन्होंने पकड़े हैं। उस 6 अंडे के अंदर ड्रग्स था जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए है। तो कायदे से 6 अंडे की कीमत 1.25 करोड़ रुपए थी। ये एक बड़ी खबर थी, और इसके अलावा बाकी सब ऐसा कुछ है नहीं। पी चिदम्बरम, एक्स फिनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, सीबीआई कस्टडी जो है वो और मंडे तक की बढ़ा दी गई है। और ये पहली बार था कि खुद पी चिदम्बरम के वकील ने कोर्ट में कहा कि वो मंडे तक सीबीआई की कस्टडी में ही रहना चाहते हैं। तो जब खुद रहने वाला ही कह रहा है कि मुझे रखो, तो फिर सीबीआई को भी क्या आपत्ति। और इसके पीछे वजह ये थी कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, यानी कि ईडी, जो फाइनेंशियल घपले और घोटालों की जाँच करती है, उसकी गिरफ्तारी से भी बचने के लिए शायद ये तरीका अपनाया गया था। तो ये डेवलपमेंट था, बाकी सब कूल है। बात करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी थोड़ी सी अजीब है, और अजीब इस मामले में है कि बहुत सारे टीवी पे शोज़ आते हैं, बहुत सारी क्राइम शोज़ आते हैं, रियलिटी शो आते हैं, एंटरटेनमेंट के होते हैं, कॉमेडी शो होते हैं। साउथ में, चेन्नई में एक न्यूज़ चैनल पे कोई रियलिटी शो वीकली आया करता था। बात है 2008 की, मतलब 11 साल पहले। और वो उस रियलिटी शो में आमतौर पे ऐसे लोगों को बुलाते थे जिनका कभी किसी क्राइम से सामना हुआ है, या फिर रिश्तों में कोई दरार है, लव मैरिज करने के बाद कुछ उनको परेशानियां हुई हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को करके वो सब्जेक्ट उठाते थे और लोगों को बुलाते थे, और उस स्टोरी से जुड़े हुए तमाम कैरेक्टर को भी स्टूडियो में बुलाया करते थे। मई 2008 में, 20th मई को इनकी रिकॉर्डिंग थी चेन्नई के स्टूडियो में। इस तमिल लैंग्वेज में ये रियलिटी शो था। तो 20 मई 2008 को जी का ये चैनल था रीजनल तमिल, उस पे इस रियलिटी शो की रिकॉर्डिंग होनी थी। और उस वीक इसका सब्जेक्ट था कि जो नई जनरेशन है, जो नए लड़के लड़कियां हैं, जब वो प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के करीब आने के बाद शादी कर लेते हैं घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो फिर उनको क्या क्या सामना करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स से, बाकी आसपास के लोगों से, समाज से, और उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ, धमकी मिली, मारने की कोशिश की गई। तो यही सब्जेक्ट था उस वीक के इस शो का। तो उसके लिए कुछ अलग अलग लोगों को बुलाया गया था। उन्हीं में से एक लड़की थी भार्गवी, जिसकी उम्र उस वक्त करीब 17 साल थी। 17 साल की भार्गवी जो है वो वेल्लुपुरम की रहने वाली थी, तमिलनाडु में एक जगह है वेल्लुपुरम। भार्गवी की कहानी ये है कि उसके पिता जो है वो एक सोफ़ा बनाने का उनका अपना काम है, जिसमें कुछ लोग भी काम करते थे, और वेल्लुपुरम में रहते थे। 17वें साल में भार्गवी को अपने ही उस इलाके में किसी लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद चोरी छुपे वो दोनों शादी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जब उन्हें लगता है कि नहीं, ये शादी का राज खुलेगा तो फिर हंगामा मच जाएगा, तो दोनों, वो भार्गवी अपने पिता का घर छोड़ देती है और अपने पति के साथ चली जाती है। इसके बाद से उन दोनों के रिश्तों में दरार आ जाता है, माँ बाप से वो अलग थी लड़की अपने पति के साथ। इधर भार्गवी के पिता जो है वो इस चीज़ से बड़े नाराज़ थे, और भार्गवी की माँ हमेशा ये कहती थी कि अगर तुमने कभी किसी से लव मैरिज की, शादी की, तो तुम्हें तुम्हारे पिता मार देंगे। तो एक उसके अंदर खौफ भी था। खैर, शादी के बाद वो अलग रहती है, और इस बीच में भार्गवी की ये कहानी जो न्यूज़ चैनल के जो तमाम रिसर्च टीम और जो प्रोडक्शन की टीम थी, वो ऐसे ऐसे केसेस को ढूंढ रही थी, ऐसे केस स्टडी को, तो उन्हें इस भार्गवी की कहानी पता चली। इसी के बाद भार्गवी को कांटेक्ट किया गया, और उसको तैयार किया गया कि इस शो में आप आओ, अपनी कहानी बताओ। और इस शो का एक और मकसद और मतलब ये था कि ऐसे जहाँ पे फैमिली में इस तरह के दरार हैं, उन फैमिली को आपस में मिलाना, जोड़ना, और ताकि उनमें सुलह हो जाए और वो एक साथ रह सकें, और जो नफ़रत या फिर मारपीट, धमकी है, वो ख़त्म हो जाए। तो एक
ये एक नोबल आइडिया भी था एक तरह से, एक अच्छा काम भी था। तो उस लड़की को यही कन्विंस किया जाता है कि तुम आओ इस शो में और तुम्हारे माँ बाप से तुम अलग रह रही हो, उनसे डर रही हो, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि तुम्हारे इस शो में ही सुलह सफाई हो जाए और पूरे स्टेट में ये देखा जाएगा शो, तुम्हें कोई ख़तरा नहीं होगा। तो लड़की मान जाती है, उसका पति मान जाता है, दोनों स्टूडियो में आने को तैयार हो जाते हैं। इस दौरान में चैनल वाले लड़की के माँ बाप को भी कॉन्टेक्ट करते हैं और उनको भी समझाते हैं कि आप आइए, आपकी जो भी शिकायत है, आपकी बेटी ने लव मैरिज किया है तो वहाँ पे आप अपनी बात रखें, और अगर कोई शिकवा शिकायत है तो वहीं पे आपको दूर कर दिया जाएगा। किसी तरह से माँ बाप भी राज़ी हो जाते हैं। अब एक अरसे के बाद माँ बाप पब्लिक के बीच में बैठे हुए स्टूडियो में, और उनकी बेटी अपने पति के साथ एंकर के साथ सामने बैठी हुई है। इसके बाद सवाल जवाब का दौर शुरू होता है, कहानी बढ़ती है, कैसे इश्क हुआ, कैसे शादी की, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लड़की तमाम चीज़ों का जवाब देने लगती है। बीच में शो रिकॉर्डिंग चालू थी, माँ बाप दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं पब्लिक के बीच में, बीच बीच में उनसे भी पूछा जा रहा है, वो भी जवाब दे रहे हैं। जब काफ़ी रिकॉर्डिंग हो गई तब एंकर ने फिर भार्गवी से कहा कि तुम्हारे माँ बाप तैयार हैं तुम्हें घर ले जाने को। उस वक्त तक माँ बाप ने ये बाकायदा कैमरे पे कहा था कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं तैयार हूँ। तो भार्गवी से कहा कि अब वो सुलह सफाई को तैयार हैं, और ये रहे अलग रही थी। तो एंकर ने ये कहा कि अब इस शो के बाद तुम वादा करो कि तुम अपने माँ बाप के घर जाओगी। माँ बाप ने ये कहा था चूँकि उसकी उम्र अभी 17 साल है, जब वो बालिग हो जाएगी 18 की, उसके बाद उसे लड़के के साथ भेज देंगे। तो एंकर से रिक्वेस्ट की कि आप इसे समझाएं, अभी यहाँ से मेरे साथ चले, जब 18 की हो जाएगी वापस हम लोग अपने तरीके से उसकी शादी उससे करा देंगे और फिर हम भेज देंगे। तो एंकर ने भार्गवी से कहा कि अब तुम्हारे माँ बाप तैयार हैं और तुम अभी नाबालिग भी हो, 17 साल की उम्र है, 18 साल में बालिग होगी, तो उतने वक्त तुम अपने माँ बाप के साथ रह लो, माँ बाप ने यहाँ पूरे चैनल पे ऑन एयर वादा किया है कि तुमको अच्छे से रखेंगे। यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब सुलह सफाई की बात आई और एंकर भी यह फोर्स करने लगी कि माँ बाप के साथ जाओ, तब भार्गवी माँ बाप के साथ जाने से साफ मना कर देती है। उसे पूछती है एंकर कि क्यों नहीं जाना चाहती हो, तो वो कहती है कि नहीं, मैं जाऊंगी तो ये मुझे मार डालेंगे। 2-3 बार वो इसको जवाब देती है। तो एक चीज़ अक्सर ये होता है कि कोई अगर गलत कदम उठाता है माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो बच्चों को कई बार डांटते हैं तो ऐसे कहते हैं तुझे मार देंगे। तो जब वो 3-4 बार से बोला मार डालेंगे मार डालेंगे, तब फिर एंकर बोलती कि ऐसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं मारता, तुम ये बार बार क्यों कह रही हो। तब वो कहती है कि उनसे पूछती है कि इतनी डरी हुई क्यों, अब माँ बाप से पूछ रही है एंकर सवाल कि ये कहते हैं मार डालेंगे। तो माँ उस वक्त बीच बचाव करती है और माँ कहती है कि एक्चुअली जब भी भार्गवी को मैं समझाता था तो मैं कहता था कि देख तेरे पापा जो है गुस्से वाले हैं, और अगर तूने कभी इस तरह की कोई लव मैरिज और किसी से शादी की माँ अपने पिता के खास तौर पे मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं मार देंगे। तो बोली वो चूँकि मैं समझाती थी इसीलिए वो उसके दिमाग में बैठ गया, और वो बार बार कह रही है कि मैं नहीं जाऊँगी वो मार देंगे। एंकर ने फिर कहा कि देखो वो माँ बाप कहते हैं इस तरीके की बातें लेकिन अपने बच्चों को मारते नहीं हैं, तो तुम यहाँ से घर चले जाओ और तुम दोनों के बीच में सुलह सफाई हो जाएगी। एंकर शायद ये भी चाहती थी कि शो का जो उनका अपना कंसेप्ट था कि ऑन एयर इस शो के ख़त्म होने से पहले एक फैमिली को मिला दिया, एक झगड़ा था ख़त्म कर दिया, तो एक हैप्पी एंड जो एंडिंग है वो भी हो जाएगी, तो एंकर के मन में ये था। लेकिन भार्गवी तैयार नहीं थी, तो एंकर ने फिर फोर्स किया कि जब वो कह रही हैं तो तुम चले जाओ, तो तुम क्यों डर रही हो। तब अचानक भार्गवी के मुँह से एक लाइन निकलती है और वो कहती है कि आपको नहीं पता अगर मैं गई घर तो ये मुझे भी उन 3 लोगों जैसे मार देंगे जिनको मेरे पापा ने 3 साल पहले मारा था। अब जैसे ही यह लाइन भार्गवी के मुँह से निकलता है, पब्लिक के बीच में बैठे हुए भार्गवी के माँ बाप दोनों के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। एंकर भी सकपका जाती है कि ये क्या कह रही है। तब वो कहती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, मेरी माँ ने हमेशा मुझे जो कहा वो ये नहीं कहा कि तूने अगर ये कदम उठाया, तूने लव मैरिज की तो तुझे मार देंगे, बल्कि वो हमेशा ये कहती थी, पूरी लाइन ये थी कि अगर तूने कभी कोई ऐसा कदम उठाया और किसी अपनी मर्ज़ी से बाहर तूने शादी की तो तेरे पिता जो हैं वो तुझे भी
उन तीनों जैसे मार देंगे जैसे उन्होंने उन तीनों को मारा था, और एक नाम लेते थे लावण्या, तो लावण्या और बाकी उसके साथ जो दो लोगों को मारा था वैसे ही मार देंगे। अब लड़की ने जब ये पूरी लाइन बोली तो माँ बाप घबरा गए, एंकर को भी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर यहाँ से बात किसी और मोड़ पे पहुँच गई, शो ख़त्म होता है। लेकिन शो ख़त्म होते ही अचानक भार्गवी के जो पिता, जो उस वक्त तक वहाँ पब्लिक में बैठा हुआ था बीच में, वो स्टूडियो से गायब हो जाता है और साथ में माँ भी। 20 मई को ये शो रिकॉर्ड हुआ था, 28 या 27 मई को टेलीकास्ट हुआ, ये यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया, पूरा शो रिकॉर्ड हो गया। टेलीकास्ट होने के बाद वही विल्लुपुरम गांव में एक महिला थी, उन्होंने इस शो को देखा और शो को देखते ही वो अगले दिन पुलिस स्टेशन पहुंच गई, क्योंकि रात का वक्त था, सुबह सुबह। और पुलिस स्टेशन जाकर वो रिपोर्ट लिखाती हैं कि मेरे पति समेत, मेरे पति और दो लोग और पिछले 4 साल से लापता हैं और उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। तो पुलिस भी चौंकती है कि जब 4 साल से लापता है तो तुम अब रिपोर्ट लिखाने क्यों आई? तो कहती है कि मैंने कल शो देखा टीवी पे और उसमें एक लड़की है जो हमारे ही इलाके की है और उसके पिता को मैं जानती हूँ, और उसने कहा था कि अगर मेरे पिता ने तीन लोगों को मारा है 3 साल पहले, तो 3 साल पहले ही वो गायब हुए थे, और उसने तीन ही शख्स का नाम के बारे में बताया कि तीन लोग थे, तो मुझे लगता है कि शायद उनमें मेरा पति और मेरा बेटा भी हो। अब पुलिस जब ये सुनती है तो पुलिस फौरन उस टीवी शो के प्रोड्यूसर को कांटेक्ट करती है, फिर उस लड़की का पता करती है जिसने कहा था, तो पता चला वो भार्गवी नाम की लड़की है। पुलिस उस लड़की तक पहुंचती है, उस लड़की को पहुंचने के बाद फिर पुलिस उससे पूछती है, तो फिर वो लड़की नाम बताती है, तो जो नाम बताया उसने कि जो माँ लेती थी हमेशा नाम की उन तीनों की तरह मार देंगे, उनमें एक लावण्या थी, दूसरे का नाम सिलम्बरासन था और तीसरे का नाम शेखर था। जो सिलम्बरासन था वो और लावण्या एक दूसरे को प्यार करते थे और इन दोनों ने शादी कर ली थी, शेखर इनके पिता थे, तो इस शादी से शेखर खुश नहीं थे। और उसी के बाद ये अचानक जब ये सिलम्बरासन और लावण्या ने शादी की तो दोनों शेखर का घर छोड़कर दूसरे इलाके में जाकर रहने लगे थे। तो जब पुलिस ने पूछा कि आपने 3 साल पहले के गुम हुए लोगों की कभी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई आज तक, और उनकी वाइफ ने शेखर की कभी रिपोर्ट लिखाई ही नहीं थी मिसिंग की, तो शेखर की वाइफ का कहना ये था कि चूँकि उनके बेटा और बेटी ने शादी कर ली थी और वो इलाके को छोड़ कर दूर चले गए थे, तो मेरे पति ये कहकर घर से निकले थे कि मैं जा रहा हूँ और उन दोनों को समझाता बुताता हूँ, मनाता हूँ और वापस ले आऊँगा। तो मुझे ये लगा कि शायद वो उनके साथ ही रहने लगे और समाज में बदनामी ना हो, इस तरह से शादी कर ली तो वो अभी वक्त काट रहे हैं और लौट आएंगे, तो इस उम्मीद पे मैंने रिपोर्ट नहीं लिखाई। तो जब पुलिस को भार्गवी से ये सारे नाम और पता मिलते हैं, फिर वो उससे पूछती है, पुलिस पूछती है कि ये बताओ कि ये मारा है तो फिर लाश कहाँ है? तो कहती है कि मेरी माँ अक्सर कहती थी कि घर के पास ये कुआं है, उसी में उसको हमने डाल दिया मारकर। पुलिस के लिए जानकारी काफ़ी थी, इस टीवी शो के बारे में उस इलाके में विल्लुपुरम के काफ़ी बातें होने लगी थी। नेक्स्ट डे ही पुलिस बाकायदा क्रेन और तमाम मशीनों के साथ उस जगह पे पहुंचती है, भार्गवी को लेकर जाती है, वहाँ पे उस कुएं के बारे में जो उसकी माँ कहती थी, उसके घर के जो सबसे नज़दीक कुआं था बराबर में, उस कुएं में फिर खुदाई होती है और धीरे धीरे कुछ घंटों के बाद अंदर से कंकाल निकलने शुरू होते हैं। सारे कंकाल जब बाहर निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि ये 3 इंसानों के कंकाल हैं, लेकिन ये 3 लावण्या, सिलम्बरासन या शेखर हैं, इसकी पुख्ता जानकारी कैसे हो, इसके लिए फिर फॉरेंसिक टीम को भेजा गया, डीएनए हुआ और उन चीज़ों से पता चला कि हाँ ये तीनों जो हैं ये वही हैं, शेखर, सिलम्बरासन और लावण्या, जो 3 साल पहले गायब हुए थे। इस दौरान में टीवी स्टूडियो से भार्गवी के माँ बाप गायब हो गए थे, पुलिस टीम उनकी खोज में लगती है। कुछ दिनों की मशक्क़त के बाद वो दोनों हाथ आ जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर ले जाता है, फिर पूरी कहानी सामने आती है। हुआ ये था कि जो सिलम्बरासन था ये भार्गवी के पिता का सोफे का काम था, सोफ़ा बनाने का, उनके यहाँ नौकरी करता था,
और शेखर की जो बेटी थी, वो बेटी थी शेखर की जो लावण्या थी, बेटा नहीं, वो और सिल्वरासन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। शेखर भार्गवी के पिता को जानता था, मुरुगन नाम था, तो वो उनके पास मदद के लिए जाता, कहता है ऐसे ऐसे मेरी बेटी ने शादी कर ली है, वो तुम्हारे यहाँ काम करता है। अब भार्गवी के पिता की सोच शुरू से थी कि लड़की लव मैरिज जो करे उसको जिंदा रहने का हक नहीं है, तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। फिर उसने लालच दिया कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, सोना दूंगा, गोल्ड दूंगा, बट तुम मेरी बेटी को उससे वापस दिला दो। इसी दौरान में वो फिर ये कहता है कि नहीं, इनको ज़िंदा रहने का हक नहीं है। तो वहाँ पे फिर बीच में शेखर से भी लड़ाई हो जाती है भार्गवी के पिता की, क्योंकि शेखर के पिता, फिर जो शेखर थे लावण्या के पिता, वो अपना इरादा बदल देते हैं। उनको ये था कि मेरी ठीक है बेटी ने जो किया, लेकिन उसकी सज़ा मौत नहीं हो सकती। लेकिन तब तक मुरुगन बहुत आगे बढ़ चुका था, उसे ये था कि पैसे भी मिलेंगे। तो उसने इन दोनों को मारने की बात करने के बहाने बुलाया और दोनों को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया। लेकिन जब फिर शेखर पीछे हटने लगा तो उसे लगा शेखर पोल न खोल दे, तो उसने तीसरा जो जहर का ग्लास था वो शेखर को पिला दिया और इस तरह तीनों ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद उन तीनों की लाश को उसने कुएं में डाल दिया। उसके बाद 3 साल तक ये रहे, लेकिन 3 साल के बाद कहानी सेम वही वाली आ गई जो लावण्या के साथ थी। खुद मुरुगन की अपनी बेटी भार्गवी को प्यार हो जाता है और वो 17 साल की उम्र में एक लड़के से शादी कर लेती है, माँ बाप का घर छोड़ती है और अपने पति के साथ अलग रहने लगती है। ये बात मुरुगन को बर्दाश्त नहीं होती, वो अपनी पत्नी के ज़रिए उसे धमकाता रहता है और वो चाहता था कि उसकी बेटी वापस आ जाए। एक इसमें ये भी है कि अगर शायद वो वापस आ जाती तो हो सकता था कि मुरुगन अपनी ही बेटी भार्गवी को भी मार कर फेंक सकता था। तो एक तरह से भार्गवी की भी जान बच गई। और इसी बीच में ये इत्तफाक से कि ये शो आया और उस शो में भार्गवी पहुंचती है, शो में अपनी कहानी बताती है और एक लाइन सिर्फ उसके मुंह से निकल जाता है कि वो मुझे मार डालेंगे इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ, जैसा 3 साल पहले उन्होंने 3 लोगों को मारा था। तो इस एक लाइन की वजह से 3 साल पहले हुए कत्ल की कहानी, जिसका पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिसमें इवन गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज कभी नहीं हुई, वो अचानक एक शो के ज़रिए उसका राज फाश होता है, कातिल पकड़े जाते हैं और फिर उन्हें उनके किए की सज़ा भी मिलती है। तो ये थी कहानी विल्लुपुरम की, चेन्नई से, कैसे एक टीवी शो ने कातिल को पकड़ाया, 3 कत्ल का राज फाश किया। ऐसे कई सारी कहानियाँ होती हैं जहाँ इत्तफाक से, मतलब पुलिस भी आया, तमाम कोशिश कर लेती है, कोई सुराग नहीं मिलता और अचानक किसी दिन छम से कोई ऐसी चीज़ मिलती है, कोई ऐसा क्लू मिलता है, कोई ऐसा सबूत मिलता है कि केस सॉल्व हो जाता है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैं आगे आपको सुनाऊंगा, ऐसे मुझे याद भी है बहुत सारी, तो वो आगे चल के सुनाऊंगा। फ़िलहाल अब ये कहानी आज इतनी। अब आज आसिम है तो आसिम शुरू हो जाओ। सर ये बोल रहे हैं कि इस तरीके का मामला है कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ था कि लाइव चैनल पे किस तरह हुआ, और क्योंकि हम अब्रॉड में ऐसे सुनते थे देश के बाहर, देश में क्या पहला मामला। कामिल साहब जहाँ तक मेरी याददाश्त है कि हाँ किसी राज, किसी कत्ल का राज जो फाश हुआ हो किसी न्यूज़ चैनल या एंटरटेनमेंट चैनल के जरिए किसी रियलिटी शो में, तो मुझे शायद लगता नहीं है कि कोई दूसरी और कोई मिसाल है, शायद इकलौता यही है। सर विकास जोशी बोल रहे हैं कि उस शो में बोला था वो एज एविडेंस यूज कर सकते हैं कोर्ट में। विकास साहब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे एविडेंस कोर्ट में इसलिए इसको यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके सामने लड़की जो है विटनेस है, वो ज़िंदा है, उसने जो टीवी पे बोला बाद में उसने पुलिस को बयान भी दिया, वो एक एविडेंस है बिल्कुल जो रियलिटी शो में उसने कहा। लेकिन यहाँ उससे ज़्यादा सॉलिड एविडेंस ये है कि आपके पास सारी और चीज़ें हैं जो इस केस को कोर्ट में मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। एक ज़िंदा विटनेस है, लाशें हैं क्योंकि निशानदेही पे लाश मिली, तो ये सारी चीज़ें थी। सर एक अनुराग चंद्रा बोल रहे हैं कि सर 15 दिन के अंदर तकरीबन क्राइम टेक की 100 वीडियोस देख ली हैं, रियल मिस्ट्रीज और कहानी सुनाने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अनुराग चंद्रा साहब, बस इसी तरह आप सुनते रहें और हौसला बढ़ाते रहें। सर आनंद राय बोल रहे हैं जब भार्गवी जब 17 साल की थी तो मुरुगन उसे पुलिस की सहायता से बरामद करवा सकता था और लड़के को जेल भिजवा सकता था। बिल्कुल, देखिए आनंद साहब क्या है कि उसने जब शादी की थी उसकी नाबालिग थी और इसमें तो बल्कि उस लड़के को जेल भी हो जाती,
लेकिन चूंकि ऑलरेडी उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर भय था, 3 साल पहले वो 3 कत्ल कर चुका था, तो उसे लगा कि अगर वो पुलिस के पास जाए और बेटी जो 3 साल बाद एक रियलिटी शो में खोल रही है तो वो चीज़ें पुलिस को भी बोल सकती है। तो कहीं ना कहीं मन में चोर था, इसीलिए उसने पुलिस और कानून की मदद लेने की बजाय ये रास्ता चुना। थैंक यू वेरी मच जोनेरियो मार्शल साहब, मुझे मेलकम मार्शल याद आ गया, बड़ा अच्छा बॉलिंग एक्शन था। आज वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का दूसरा टेस्ट भी शुरू हो गया, केएल राहुल फिर आउट हो गए, मैं आया था तब पता नहीं 35/1 था, अभी क्या है पता नहीं। जी विपुल कुमार जहाँ सर मुर्गन का भी लीगल स्टेटस क्या है? विपुल साहब इस वो मामला चल रहा था कोर्ट में और बल्कि लोअर कोर्ट का कुछ फैसला भी आया था उम्र कैद का, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट में फिर क्या हुआ एक बार मैं उसको एक अपडेट ले लूं फिर आपको बताता हूं। सर उस शेखर की जो पत्नी थी उसे कैसे पता चला कि यही उनकी फैमिली है? सुंदर बागवान जी पूछ। जब ये शो आया सुंदर साहब टीवी पे 27 मई 2008 में, तो उस शो को वहाँ पे विलुपुरम में भी लोगों ने देखा और इस लड़की ने भार्गवी ने जिस तरीके से बताया था कि मेरी माँ हमेशा धमकी देती थी और कहती थी कि उनको भी तुमको भी वैसे ही मारेंगे जैसे उसने 3 लोगों को मारा था, और चूंकि भार्गवी के पिता और इन महिला जो थी शेखर की वाइफ, तो शेखर और भार्गवी के पिता में दोस्ती थी और ये बात उनकी वाइफ को भी पता थी, तो जब टीवी पे शो में देखा और उनकी बेटी ने जिक्र किया कि 3 लोगों को मारा और इत्तेफाक से उनके घर से ही 3 लोग आए, उनकी बेटी पति और जो दामाद था, तो इन चीज़ों ने उनको मजबूर किया कि वो पुलिस के पास जाएं और रिपोर्ट लिखाएं, और उन्हें तब तक ये नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि यही वाकई यही 3ों है, लेकिन फिर जब वो सारी चीज़ें निकली फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट आई तो पता चला वही थे। सर विशाल जी बोल रहे हैं कि उसकी बेटी ने गलत किया अपने पिता के अगेंस्ट जाके, लेकिन आपको क्या लगता है वो नहीं चाहती तो उसको भी मार देते? मुझे लगता है कि जिस तरीके की चीज़ वो कर चुका था और गुस्से वाला भी था, और अगर वो शो के बाद वो बेटी सुलह हो जाता और वो घर ले जाता और अगर उसकी बेटी ना मानती कि मैं अपने उस प्यार या पति को नहीं छोड़ूंगी, तो हो सकता है कि वो उसको ही मार डालता। सर काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट है कि हांगकांग प्रोटेस्ट की कहानी बताएं कि वहाँ क्यों हो रहा है, क्या पूरी कहानी है वहाँ? ठीक है चलिए मैं कोशिश करूँगा कल ही इसको सुनाऊँ अगर कुछ और नहीं हुआ तो। हांगकांग प्रोटेस्ट की पूरी कहानी, जो हर वीकेंड पे लोग खड़े होते हैं आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से, आपको डिटेल में सुनाता हूँ। सर निशित तिवारी है रीवा मध्य प्रदेश से जुड़ी कोई कहानी क्राइम स्टोरी कोई हो तो सुनना चाहती है, वो भी आपका रिलेशन भी मैं फैन हूँ, मेरे पिताजी का भी अभी अभी देहांत हुआ है लेकिन वो भी आपकी कहानियाँ सुनते थे, सुनकर थोड़ी राहत मिलती है मुझे। निशित जी एक तो आपके पिताजी को ऊपर वाला आत्मा को शांति दे, अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन आप रीवा से हैं, रीवा में गया हूँ, रीवा में मेरे बहुत सारे अभी भी दोस्त रहते हैं, मैं जल्दी कोशिश करूंगा वहाँ की अब बाकी जो कहानियाँ या उसके आसपास की मैं आपको सुनाता हूँ। सर प्रीतम जी बोल रहे हैं कि सर भांगड़ की जो स्टोरी आपने सुनाई थी उससे रिलेटेड कुछ सवाल है कि उसका मेल किया है, आप रिप्लाई कब करें? ठीक है प्रीतम साहब, मैं भानगढ़ से रिलेटेड आपने सवाल भेजे हैं, मैं जल्दी रिप्लाई करता हूँ। सर विवेक सिंह बोल रहे हैं सर यहाँ का कानून इतना कमजोर क्यों है कि फांसी क्यों लड़कियों को फांसी क्यों नहीं मिलती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, लड़कियों को फिर भी थोड़ा सा न्याय मिल जाता है अगर क्राइम में रेप का केस? कानून कमज़ोर नहीं है, देखिए वही चीज़ें कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कौन सा केस आता है, किस तरीके से पुलिस या जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उसने कोर्ट के सामने उस केस को रखा, कितना पुख्ता सबूत है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कानून या अदालत या जज ये सिर्फ हालात पे या कहानियों पे या फिर गुस्सा पे या मीडिया और टीवी पे जो दिखाया जाता है उसके आधार पे फैसला नहीं सुनाते, कोर्ट हमेशा फैसला सुनाती है कि किस तरीके की डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरीके के एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस हैं, विटनेसेस हैं, तो ये सारी चीज़ों को देख के, तो कानून हमारा बुरा नहीं है, हाँ उस कानून को किस तरीके से यूज़ किया जाता है डिपेंड वो करता है। सर आर्य जी बोल रहे हैं कि आनंद सिंह को अगर हो सके तो कभी क्राइम तक पर प्लीज लेकर आए। आर्या जी फिलहाल तो अनंत सिंह को बिहार की पुलिस ले गई है, वरना मैं ले आता यहाँ पे, लेकिन कभी मौका मिला तो ज़रूर अनंत सिंह की हालांकि कहानी सुनाई थी, लेकिन जब मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि क्राइम तक पे एक दिन आप लोगों को लाइव सुनाऊँ, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है, तो मतलब सोच समझ के नहीं, और वो कुछ भी डरा धमका सकता है, मैं 2-3 बार मुझे एक्सपीरियंस है इसका, तो आप लोगों के अपने रिस्क पे मैं ले आऊँगा। गौरव सिंह है तो सर जल्दी क्राइम तक के 10 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आप अपनी कहानी कब सुनाएं?
गौरव सिंह साहब, ये मैं शुरू से टाल रहा हूँ जब से कि मैं अपनी कहानी कब सुनाऊंगा, लेकिन आपने ये बोलकर इस सवाल में ही जवाब भी दे दिया और मुझे आइडिया भी दे दिया। ठीक है, जिस दिन 10 लाख होगा तो उसी दिन मैं अपनी आपको कहानी सुनाऊंगा। चलिए, प्रतीम शर्मा है, बोल रहे हैं कि उनके कमेंट हम लोग लेते हैं, थैंक यू सो मच, और वो आपके बहुत बड़े फैन। प्रवीण शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, आप बस अच्छे रहिए, खुश रहिए। सर अविनाश सिंह बोल रहे हैं, सर काफी दिनों से शशिनाथ झा मर्डर की कहानी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे प्लीज सुना दीजिए। अविनाश जी, मैं आपकी ख्वाहिश जल्दी पूरी करूंगा, शशिनाथ झा की पूरी स्टोरी आपके सामने होगी। सर एक सवाल है, निर्भया केस पे क्या अपडेट है? सर मसूद अहमद है। किस केस पे? निर्भया केस। अच्छा, मसूद साहब, निर्भया केस पे अभी तक ये है कि कहीं पे भी नहीं है मामला, सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, जो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी थी उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से अभी फाइनल जो है कुछ नहीं आया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इसमें बहुत जल्दी कुछ होगा। हालांकि 12 से लेकर 19-7 साल हो गए जिस केस ने पूरे देश को घुमा के रख दिया, इतना गुस्सा, इतना जगह जगह धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च, उसके बावजूद 7 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी भी कोई पुख्ता तारीख, वक्त, जगह, ये सब कुछ तय नहीं हुआ कि निर्भया के गुनाहगारों को कब कहाँ सज़ा होगी। हालांकि अगर उन्हें फांसी होती है तो ये तय है कि वो तिहाड़ जेल में ही होगी, क्योंकि फांसी की सुविधा तिहाड़ में ही है, लेकिन कब होगी कि ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सर कुणाल कपूर हैं, बोल रहे हैं कि सर जिन जर्नलिस्ट की हत्या हुई है कभी उनकी कहानी आप सुनाइए, कि हम भी जानना चाहते हैं जर्नलिस्ट जो मेहनत करते हैं उनके साथ क्या हुआ। कुणाल कपूर साहब, चलिए आपने कहा, अच्छा कहा, मैं जो भी जर्नलिस्ट जिनके साथ हादसा होता है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मार दिया गया, एक दिन मैं सारा वो मिलाकर आपको एक सुनाता हूँ। सर शुएब मिलानी का भी यही सवाल है कि सर आपने कोई ऐसे कवर किया है कि जिसमें जर्नलिस्ट की हत्या हुई? मतलब हत्या के बाद 2-4 दिन बाद तो मैंने ऐसी कुछ स्टोरीज की है, क्योंकि वो रीजनल लेवल पे था, कुछ यूपी में, कुछ एमपी में भी, बिहार में भी, लेकिन डायरेक्टली कि जिस दिन हुआ और उसी दिन मैं पहुंचा, ऐसा नहीं हुआ कभी। सर लियो है, बोल रहे हैं कि सर आपके बहुत बड़े फैन हैं और वो चाहते हैं आप अंडरवर्ल्ड के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट। लियो साहब, थैंक यू वेरी मच, और आपके का सुझाव है कि अंडरवर्ल्ड पे एक सीरीज शुरू करें जल्दी, बिल्कुल आपका अच्छा ही आइडिया है, सीरीज शुरू करता हूँ। सर रियलिस्ट ऑफ रियल केस में क्या अभी रिसेंटली किसी को फांसी की सजा हुई है? सर देव जी पूछ रहे हैं, देव जी बिल्कुल लास्ट जो अभी मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी, जो शबनम थी जिसने अपने पूरे फैमिली को मार डाला था, उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया था, फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन फांसी नहीं हुई है, तो वो देखिए कि वो कब होता है, उसमें अभी फैसला आना था, अभी लटका हुआ मामला। ऋतिक जी अपनी कहानी सुन के मुझे कैसा लगता है, ये सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल इसलिए है कि मैं जब सुनाता हूँ तो मुझे कैसा लगता है ये बोलना थोड़ा सा, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँ, लेकिन है कि मैं खुद ही अपनी कहानी में डूब जाता हूँ। उसकी वजह यह कि अगर मैं नहीं डूबूंगा तो शायद मैं कहानी नहीं सुना पाऊंगा, और एक होता है कहानी पढ़ना, एक होता है कुछ बताना, एक होता है बोलना, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। अब आप कई बार ये लगेगा कि ये भाषण टाइप चीज़ें हैं, कि पढ़ना अलग कैसे हो सकता है, बोलना अलग कैसे हो सकता है, कहना अलग कैसे हो सकता है, लेकिन इसको सोचिएगा आप तसल्ली से, बोलने और कहने में भी फ़र्क होता है, तो अच्छा डायलॉग है वैसे ये। तो मैं पूरी वही कह रहा हूँ कि मैं जब तक खुद नहीं डूबता हूँ तब तक फिर वो कहानी बताया नहीं जाता, मतलब सुनाई नहीं जाती, तो आप लोगों के लिए खुद भी डूबना पड़ता है और तभी जाकर फिर कहानी निकलती है और मैं सुना। लेकिन मैं कोई अलग से कोई एफर्ट करता हूँ या कोशिश करता हूँ कि इस तरह से सुनाना है या इस तरह से मुझे कहानी कहनी है, वो कभी सोचा नहीं, बस यहाँ पे बैठता हूँ, जैसे ही आसिम या दीपक कहता है कि आप ऑन एयर हैं तो बस मैं बोलना शुरू कर देता हूँ, और जब तक मन में आता है बोलता रहता हूँ। सर दीपशिखा जी बोल रहे हैं कि सर क्या कोर्ट में वीडियो एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाता है? दीपशिखा जी, कोर्ट में वीडियो को अभी तक एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। हाँ, कोर्ट उस वीडियो को तब मायने उसके रखती है कि अगर उसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस कोई हो, जैसे सपोज एक वीडियो को दिखाया गया कोर्ट रूम में कि इस बाथरूम में इस कलर की बाल्टी और जग रखी है, इस बाथरूम में एक लॉक है, उसमें उस वक्त इतना टाइम हो रहा है, और उसमें कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दिख रहे हैं, तो अब मान लीजिए कि वो कोर्ट के सामने रखा गया और वहाँ पर कातिल भी खड़ा हुआ है हाथ में चाकू लेके, तो सिर्फ ये कि उस वीडियो में कातिल हाथ में चाकू लेके खड़ा हुआ उस बेस पे
अदालत उसको सज़ा नहीं सुना सकती। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अभी दे रहा हूँ, जो अलवर मॉब लिंचिंग केस हुआ था, उसमें बाकायदा सारे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था वो वीडियो जिसमें उसको पीटते वो दिखाया गया था, लेकिन कोर्ट ने उस वायरल वीडियो को एक्सेप्ट नहीं किया और सारे आरोपियों को बरी कर दिया। तो ऐसे ही वीडियो को, क्योंकि उसमें होता है कि कई बार वीडियो के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, आप उसके साथ एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यही आपको बता रहा था कि वहाँ पे इस कलर की बाल्टी है, ये जग है, ये घड़ी है, टाइम उसमें ये हो रहा है, तो फिर वो वीडियो थोड़ी सी उसकी अहमियत बढ़ जाती है कि हाँ इस वीडियो में जो जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं इसका मतलब है लोकेशन यही है, कि उस लोकेशन को फिर आईओ ने, पुलिस ने भी जाके देखा है। तो आपके साथ किसी भी ऐसे वीडियो को सिरे से आप सबूत के तौर पर अदालत खारिज नहीं करती, अगर उसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस या प्रूफ आप देते हैं तो। सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच। हाय सर, लकी मार्केट जी बोल रहे हैं, पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर केस सबसे टफ केस होता है या वो केस जिसमें आरोपी तो होता है लेकिन सबूत नहीं? दोनों में बात एक ही है, ब्लाइंड मर्डर और आरोपी तो है लेकिन सबूत नहीं, तो वो भी एक तरह का ब्लाइंड ही मर्डर हो गया, क्योंकि अगर आपके पास आरोपी है या जिसको आप मानते हैं और सबूत नहीं है तो फिर वो कोई मतलब नहीं है, फिर तो ये है कि पुलिस अंधेरे में ही हाथ मार रही है। तो हाँ बोलो सर, कौशल जी हैं बोल रहे कि सर पुलिस का कोई ऐसा केस जो आपको सच में लगता हो कि उन्होंने एक जेन्युइनली और दिमाग चला के और अच्छे से केस सॉल्व किया, वो केस कौन सा? कौशल जी, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो मुझे लगता है कि पुलिस ने बहुत सारे ऐसे जिसको सॉल्व किया। मैंने बीच में कई कहानियां भी आपको सुनाई थी, कैसे एक कॉलर के लेवल से कातिल पकड़ा गया था, कैसे एक टेलीफोन बूथ की पर्ची से पकड़ा गया था, सारी कहानियां सुनाई थी ये छोटी छोटी, या कैसे एक जिस एक पेपर में, पुराने पेपर में कचौरी या कुछ था, उस पेपर की कटिंग से पुलिस ने केस सॉल्व किया, सारी मैंने क्राइम तक में सुनाई है कहानियाँ भी। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे सुराग को पकड़कर पुलिस आखिरी सिरे तक पहुँची। चैटर्जी साहब, शायद मैंने जे डी मर्डर की कहानी सुनाई है, शायद एक बार चेक कर लोगे तुम, और मुझे लगता है शुरू में सुनाई, अगर नहीं सुनाई है तो मैं जे डी मर्डर की कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगा फिर से। धनबाद में, असल में धनबाद और वासेपुर एक ही जगह, धनबाद में एक मोहल्ला है जिसका नाम है वासेपुर, मैं वहाँ गया हूँ और दो तीन बार गया हूँ तो, और ये जो वासेपुर गैंग और वासेपुर फिल्म जो लिखी थी वो वासेपुर का ही असल में रहने वाले, तो उसकी भी एक कहानी आपको शॉर्ट में किसी दिन सुनाता हूँ मैं। सर आशीष जी बोल रहे हैं कि सर जैसे आप वारदात में नमस्कार नमः शिवाय खान बोलते हैं, ऐसे एक बार क्राइमटेक पे भी स्टार्ट करिए। कौन है सर? आशीष। आशीष जी, वारदात अलग है, क्राइम तक अलग है, लेकिन मैं आपकी, चलिए वैसे स्टार्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अब ये है कि अब मैं भी निकल रहा हूँ, बाकी भी काम कर लूँ, बाकी चीज़ें भी देख लूँ, तो चलते चलते बस यही कहूँगा कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, और आपने जो कहा वारदात में नहीं लेकिन आपके लिए स्पेशली है कि नमस्कार, मैं हूँ शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं क्राइम तक। थैंक यू वेरी मच।